गोपालगंज में ठेके का सारा पैसा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जाता है। चुनाव के समय सब दलित को जुटा के, अब श्याम रजक कह रहा है कि दिल्ली पैसा नहीं दे रही है, और सुशील मोदी कह रहा है दिल्ली ने पैसा दिया 20 लाख में। तो नीतीश बाबू का आत्मा ना जमजेगा कि श्याम रजक सही कि सुशील मोदी सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस लॉकडाउन में भी तेजस्वी यादव काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। मामला है गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस का। आखिर तेजस्वी यादव जो कह सकते हैं इंटरवल में थे, जो एक छुट्टी में थे लॉकडाउन के शुरुआती समय में, उसको भरपाई करने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ हैं पप्पू यादव, इनसे जानेंगे कि तेजस्वी यादव का एक्टिव मोड में आना क्या चुनाव की तैयारी का एक बिगुल है, और उसके बाद सुशील कुमार मोदी ने प्रवासी मजदूरों की जो समस्या उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और बताया कि इसके लिए कांग्रेस के शासित कानून है जो 1989 में बनी थी। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने लॉकडाउन के अंतिम चरण में जो एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं गोपालगंज ट्रिपल मर्डर जो हुई है उसको लेकर के, मुझे समझ में नहीं आता जी। लॉकडाउन में 40 मर्डर हुए, सिटी में 5 मर्डर हुए जी, बेगूसराय में मर्डर हुए, गया में मर्डर हुआ, सिवान में मर्डर हुआ, पूर्णिया में मर्डर हुआ, खगड़िया में राजनीतिक मर्डर हुए, एक पूर्व मुखिया जी को मार दिया गया जी, गैंग वार हुआ, लगातार घटना घटती, दरभंगा में मर्डर हुआ जी, बक्सर में मर्डर हुआ, 3 बच्चे स्लैब में गिर केर के मर गए, मजदूरों का क्वारंटाइन में लगभग 20 क्वारंटाइन में लोग मर गए, 20 क्वारंटाइन में लोग मरे, ट्रेन मौत का सौदागर बनता जा रहा है, उसमें दर्जनों दर्जन लोग मर रहे हैं, 9 दिन 8 दिनों पर ट्रेन जा रहा है और गर्मी और भूख से लोग मर रहे हैं। सवाल ये है ना आज हिंदुस्तान के लिए, देश यह जानना चाहता है जी कि ये 70 दिन 60 दिन ये नेता लोग कहाँ थे, कहाँ मसाज कर रहे थे, तब इनकी स्कॉर्पियो माफियाओं की और ये तभी औकात क्यों नहीं थी गरीबों के लिए निकलने की। जब मजदूर सड़कों पर मर रहा था, जब पैदल चल रहे थे मजदूर, भूख से परेशान थे, घर से लोगों ने निकाल दिया, बिजली पानी काट दिया, गोली और आंसू गैस चल रहा था, लाठियां चल रही थी, करोड़ों लोग सड़क पर थे, उस वक्त कहां थे? जब मौत का सिलसिला चल रहा था, मोकामा में 3 साल बच्ची का बलात्कार हुआ जी, तब कहां थे? और ये क्या कहता है ये गोपा, यह रिश्ता क्या कहता है? ये कौन है पप्पू पांडे? तेजस्वी यादव, ये रिश्ता क्या कहता है जी? ये रिश्ता उनके पिता के साथ भी, पंटुस हत्याकांड का क्या हुआ? जब पप्पू यादव एक्टिव हुए, पैसा दिया, तो उनके पिता बाप बाप करने लगे, और फिर चुनाव का समय था तो उसने भजाने की कोशिश की, बाद में जिसने पिंटूस की हत्या की उस साथ मिल करके चुनाव लड़े। आप हमेशा राजनीतिक सौदा, राजनीति इतना दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र हमेशा जी, इन लोगों का कथनी करनी कुछ, इसके पहले कितना हत्या पप्पू पांडे ने और सतीश पांडे ने वहाँ किया, कितना करवाया, कितने लोगों की मौत हुई है, सिवान में कितने लोगों की अभी मौत हुई, गोपालगंज में मौत हुई, ये सवाल पूरी दुनिया जानना चाहती है जी। सत्ता पक्ष नंगा खेल खेल रही है, सुशासन बाबू को डर है कि उनका जो पैसा आता है वो नंगा कर देगा, सबको पता है कि दोनों को पैसा जाता है, आरजेडी को भी जाती है, जदयू के इस विधायकों का पैसा पूरा जी, सब शेयर हैं। जब मुन्ना जायसवाल को यही धमकी दिया गया था, पैसा मांगा गया था जायसवाल को, तब इसके पेट में दर्द क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो जायसवाल थे, वो अपराधी हैं, अपराधी कोई भी हो उसको जात धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता जी। दुर्गेश यादव अपराधी होगा तो उसको जात, आप यादव उसको नहीं कह सकते, दुर्गेश झा होगा तो उसको झा नहीं कह सकते जी। आप अपराधियों के खिलाफ बात करिए, अपराधियों को संरक्षण देने वाला पूरा खानदान और अपराधियों के बदौलत चलने वाला,
जब पूरा का पूरा सोशल डिस्टेंस की बात है, कोरोना वायरस में पूरा परेशान है दुनिया जी, तो सत्ता पक्ष भी वही खेल राजनीति का शुरू कर दी, डिजिटल डिजिटल का खेल नीतीश बाबू शुरू कर दिए, जीविका से पूरा डाटा मंगा लिए, अब डाटा का खेल खेलेंगे, और ये दोनों जात जात का खेल शुरू कर दिए। तो हत्या का राजनीति इससे इस्तेमाल कब तक करेंगे, कब तक? तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार के संरक्षण में वो लोग पल रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये फोटो क्या कहता है, पिंटूस का क्या कहता है। और आपको जाना गजब बात करते हैं, ये ट्रेन का क्या हुआ 2000 बस का क्या हुआ जी। और सबको पता था सोशल डिस्टेंस में जाना नहीं है, इसलिए कुछ बक देना है ताकि हम राजनीति कर लें, ये पूरी दुनिया को पता है कि सोशल डिस्टेंस साफ नियम कहता है, आप दो आदमी जाते जी। क्या प्रॉब्लम है, वो पूरा विधायक दल को ले जाना चाहते हैं। आप दो आदमी, आपको यदि दर्द होता जी इतनी बड़ी घटना से तब जाते, उस वक्त पप्पू यादव की टीम को वहां जाना पड़ा, यह सवाल पप्पू यादव ने उठाया। हॉस्पिटल में जब पप्पू यादव गए तब दर्द क्यों, पिंटूस में भी पप्पू यादव गए तब इनके पिता को दर्द हुआ, यह सवाल भी पप्पू यादव ने उठाया। और यह सवाल सीधा है, गोपालगंज में ठेके का सारा पैसा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जाता है, और दोनों इसमें शामिल हैं, दोनों रंगा बिल्ला हैं, नागनाथ सांपनाथ हैं, एक गड्ढा है एक खाई है। अब जातीय उन्माद बिहार में किसी राजनीति के कारण, किसी हत्या के कारण नहीं होगी, अपराधी अपराधी है, उसको जात का इस्तेमाल चुनाव है तो नहीं करने की इजाजत होगी। और जो वो कर रहा है ना, वो दुनिया समझ रही है कि 55 दिन गरीबों का दर्द नहीं, अनहत्या पर कुछ नहीं जी, गरीबों से मतलब नहीं, ट्वीट ट्वीट का खेल खेलने वाला, मसाज करने वाला, ना समझ और नालायक तरीका, यह कानून लोकतंत्र और मानवता के लिए खतरा है। क्वारंटाइन में लोग मर रहे हैं तब कुछ नहीं बोलेंगे, तब क्यों नहीं गए चले जाते, स्लैब में बगल में मारा क्यों नहीं गए चले जाते, बगल में सिटी में मारा क्यों नहीं गए, गया में घटना घटी इतनी बड़ा क्यों नहीं गए, बस इस्तेमाल करना है, औकात है तो गोपालगंज से लड़े ना, घोषणा करें गोपालगंज से लड़ेंगे, इलेक्शन औकात का पता चल जाएगा जी, औकात है पता करें। अब सुशील मोदी के बारे में कुछ नहीं कहा, सुशील मोदी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों का जो स्थिति है ये कनगोजर है, वो ये गोबर है, सुनो कनगोजर है वो गोबर है, उस पर काहे का घी डाल रहे, वो गोबड़े का महकाएगा, उनका कहना है कि अनुकंपा और बैसाखी। अरे यार 6 साल तो नीतीश सुशील नरेंद्र मोदी जी को हो गया, अब 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी, तो 11 साल में कांग्रेस का कानून बदल देते हैं, दिखा गड़बड़ था तो मनरेगा पर बाप बाप कर रहा था, अब मनरेगा अच्छा हो गया, मजदूर को 20 रुपया दे दिया। सुशील मोदी को कोई वेल लेता है, गजब बात है भैया, सुशील मोदी को पानी में नहीं देखा, ये भगोरा गंजेरा भगोरा, सुशील मोदी अपने बोली का ही तो खाता है, इसको कुछ है, चोर चोर मोसेरा भाई, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, बड़े मियाँ कुछ बोलेंगे, छोटे मियाँ कुछ बोलेंगे, झूठ का ये ठेकेदार है जी, और दलाली की खाता है, श्याम रजक आरक्षण का नंगा खेल शुरू कर दिया, आरक्षण आरक्षण चुनाव के समय सब दलित को जुटा के, अब श्याम रजक कह रहा है कि दिल्ली पैसा नहीं दे रही है, और सुशील मोदी कह रहा है दिल्ली ने पैसा दिया 20 लाख में, तो नीतीश बाबू का आत्मा ना जमजेगा कि श्याम रजक सही कि सुशील मोदी सही, एक तरफ जात का नंगा खेल शुरू हो गया और एक तरफ आरक्षण का नंगा खेल शुरू, मतलब कोरोना वायरस में जो प्रवासी मजदूर और गरीब और आम आदमी जो कोलैप्स कर गया इकोनॉमी, मिडिल क्लास और किसान जी, इस पर इन लोगों को कुछ नहीं बोलना है ना करना है, इन लोगों को सिर्फ सियासत करनी है, ये दोगला चरित्र तेगरा चरित्र जो नेताओं का होता है यह दुनिया समझ चुकी है, और राजनीति का मतलब ही है उन्माद पैदा करो, नफरत पैदा करो, और वोट की सियासत और अपनी कुर्सी बचा के रखो।
शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद। गोपालगंज में ठेके का सारा पैसा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जाता है। चुनाव के समय सब दलित को जुटा के अब श्याम रजक कह रहा है कि दिल्ली पैसा नहीं दे रही है, और सुशील मोदी कह रहा है दिल्ली ने पैसा दिया 20 लाख में। तो नीतीश बाबू का आत्मा ना जमजेगा कि श्याम रजक सही कि सुशील मोदी सही।